एशिया की आपने खड़ी में हर्ष एंट्री दी और मुझे यकीन है कि अगर आजाद साहब चीफ मिनिस्टर बने तो खड़ी में डिग्री कॉलेज भी बनेगा। आपने पीएससी महू में दी और भी बहुत काम करने थे और इनका कुछ नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब यहां आए थे, मैं बहस में नहीं जाना हूं, विफल है अभी। मुगलों में भी ना काबिल होता था, काबिल होता था बेटा बन जाता था, वही इनका भी हाल। शेख साहब की कब तक खाएंगे? बहुत खाई, 70 साल से खा रहे हो बेचारे, उनको जन्नत में आराम करने दो। या तो शेख साहब की तरफ 20 साल 22 साल जेल में रहो। छह साल उमर अब्दुल्ला साहब 15 मिनट के लिए भगवाए, 15 मिनट हेलीकॉप्टर, 15 मिनट किश्तवाड़, 15 मिनट डोडा, यहां कभी आए नहीं। अरे उमर अब्दुल्ला, तुम चीफ मिनिस्टर रहे गांधरबल को गुलाम नबी आजाद ने डिस्ट्रिक्ट बनाया, तुम तीन तीन चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट नहीं बना पाए। गुलाम नबी आजाद ने तुम्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दिया, गुलाम नबी आजाद ने आईआईटी दिया, गुलाम नबी आजाद ने कॉलेज दिया, गुलाम नबी आजाद ने आयुष कॉलेज दिया। तुम्हें अपने घर का पता नहीं है कि उसके घर में क्या है, तुम हमें यहां जमलो पहाड़ों में क्या दो। मुझे गालियां देने से लीडर नहीं बन सकते। तुमने कहा एमपी बना, एमपी बनाया तो तुम्हारे बाप को 3 दफा चीफ मिनिस्टर नहीं बना। एमपी उनकी नहीं, मैंने सब पार्टी के वोट लिए, एमपी के लिए 10-12 वोट दिए, तुमको 6 साल चीफ मिनिस्टर नहीं बना। तुमका नानी से बनते थे 15 वोटों पर चीफ मिनिस्टर, हमारे एमएलए थे तब तुम चीफ मिनिस्टर बने। उमर अब्दुल्ला, दूसरों का गिनते हो, अपने खानदान परेशान। आपके वालिद मोहतरम, उनकी मैं इज्जत करता हूं, जब मिलिटेंसी आए तो हिंदुस्तान छोड़ के लंदन चले। 4 साल के बाद गुलाम नबी आजाद ने टिकट लंदन भेजा, उनको घर से बुलाया और कहा यहां आओ। अब्दुल्ला साहब 90 से 94-95 तक मिलिटेंसी रही, आप एक दफा भी वादी कश्मीर में आए? एक दफा नहीं। वो सिर्फ गुलाम नबी आजाद था, बांडीपुरा में 20 लोग मारे गए वहां पहुंचा, बाकी जगह और पहुंचबों में मारे गए तो वहां पहुंचा। तुम तो बंबई 4 साल रहे और बाप 4 साल बाहर रहा और गुलाम नबी आजाद को दिखाते हो। हम अपने बलबूते पे हो, तुम तो मुगलिया खानदान की तरह चलते हो, तुम्हारा कुछ नहीं है। सिर्फ घर में अंग्रेजी पढ़ के लीडर नहीं बन सकते, ये सड़कों पे तेल निकलेगा तुम्हारा तो पक्का लीडर बनो। इसलिए उसको मैं सीरियस नहीं लेता हूं, नॉन सीरियस लीडर। जिस दिन मरहूम जनाब हिम्मतुल्लाह का नाम नहीं लेंगे उस दिन की दुकान बंद, क्योंकि अपनी दुकान में सौदा ही नहीं, कितना बेचेंगे मरहूम। वो भी तंग आया है, मैं बेचने के लिए नहीं था नाकाबिल बच्चों के लिए।